हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स में स्क्वायर रूट, हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो शायद विदाउट पेन और पेपर के भी आप उसे कर सकते हो, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसे इजिली निकाल सकते हो। इससे पहले मैंने स्क्वायर पे वीडियो बना लिया है वर्ग पे, अगर आपने उसे देखा नहीं है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप इसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस एक से लेकर नौ तक हमें वर्ग ज्ञात होने चाहिए। किसी भी संख्या एक से लेकर नौ तक हमें वर्ग ज्ञात होने चाहिए। और अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो शायद हर किसी को एक से नौ तक के वर्ग पता ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पे यहाँ पे एक एग्जांपल है 576। आपको 576 का स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे ये मैंने तीन अंकों की संख्या ली, इसके बाद मैं फोर डिजिट नंबर का भी स्क्वायर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने स्टार्ट करने हैं। तो पेयर्स जो हम बनाएंगे जोड़े, वो हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने हैं। तो और दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो ये हमने बना लिया एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ये सिंगल पांच का बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा डिजिट देखना है इनमें से जिसका वर्ग के अंत में छह आता हो। तो किस किस के स्क्वायर में छह आता है, एक तो आता है आपके फोर के और दूसरा आता है आपका सिक्स के। तो इसका मतलब है या तो इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई में फोर होगा या फिर सिक्स होगा। अब दूसरा ये आपको फिर आगे आप फाइंड करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, अब देखना है कि किसका वर्ग पांच के नियरेस्ट है। तो एक किसका है, दो, दो का चार होता है और तीन का नौ होता है। तो आपको इसमें से छोटी वाली संख्या लेनी, तो छोटी वाली संख्या यानी दो, दो का स्क्वायर चार होता है, तो आपको ले लेना है यहाँ पे दो। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये इसके इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दो से जो एक बड़ी संख्या होगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो टू थ्री जा सिक्स। तो अब ये देखना है, अगर ये जो ये पांच है इस छह से छोटा होगा तो सेकेंड वाला नंबर छोटा वाला होगा, और अगर पांच छह से बड़ा होता तो सेकंड वाला नंबर जो ये बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे ये जो वाली जो डिजिट है वो इससे छोटी है, तो यहाँ पे छोटा क्या हो जाएगा, चार। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा चार, चौबीस। तो हमारा स्क्वायर रूट निकला 24। बस आपको ये करना, इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और देखना, अगर ये छोटा है तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या होगी सेकेंड वाली, और अगर ये बड़ा होता तो फिर वर्गमूल आपका 26 निकल जाता। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि फोर डिजिट का होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फोर डिजिट नंबर का 5329। तो इसके लिए भी आपको ये देखना है कि किस संख्या के वर्ग में लास्ट में नाइन आता है। तो सबसे पहले ये देखना, एक तो थ्री में आता है, दूसरा सेवन में आता है। तो या तो इसके वर्गमूल के अंत में थ्री होगा या फिर सेवन होगा। ये दो दो के आप पहले पेयर्स बना लीजिए, सॉरी, ठीक है। तो हमारा जो इकाई का अंक है, वंश का वो है नंबर, वो तो हमें ये तीन या सेवन में से मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 53 की। तो 53 आप देखोगे किसका नियर बाय होगा, सेवन का स्क्वायर होता है 49 और एट का होता है 64। तो मैंने आपको बताया छोटी वाली डिजिट लेनी है, तो छोटी वाली लोगे आप तो यानी सेवन होगा। अब क्या करना है, इससे बड़ी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 56। अब देखना है ये 53 56 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो छोटा वाला आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 73। तो हमारा जो 5329 का स्क्वायर रूट आया वो आ गया आपका हमारा 73।